क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी पत्नी की तस्वीर ली? What's wrong with you? एक मिनट दोस्त, क्या तुम पागल हो? ये फोटो मेरी और मेरी पत्नी की है। हमारे शादी को 4 साल हो गए। नहीं सर, वो मेरी वाइफ है। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उसे पहचानूंगा नहीं? हे भगवान, मुझे हंसाओ मत। तुम एक सैनिक हो, खुद को देखो और मुझे देखो। वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। क्या? Enough! हाँ, कभी नहीं। Enough! तुम यहाँ से अभी चले जाओ। नहीं सर। नो नो। के पास है, वो हम दोनों का मजाक उड़ा रही है। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हें पता है, तुम्हें साबित करने जा रहा हूं कि वो मेरी बीवी है। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक? देखो, ये मेरी पत्नी है। ना 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 ना, ये असंभव है। ये फोटो तुम्हारी बनाई हुई है। अच्छा, तुम अपनी आंखें खोलो, वो हमें मूर्ख बना रही है। मैं तुमको देने जा रहा हूं एक और सबूत। मैं उसे कॉल करने जा रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे, तुम्हें एहसास हो कि वो मेरी बीवी है। हेलो। हाय माय लव, कैसी हो? कहाँ हो? मैं ठीक हूँ माय लव। एक्चुअली मैं मेरी माँ के पास आई थी, वो थोड़ी बीमार है ना, पर मैं जल्दी घर आ जाऊंगी और हम एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके माय लव। चिंता मत करो माय लव, मैं इंतजार करूँ। अच्छा, गुड आफ्टरनून। आई लव यू। मैं भी। देखना, वो धोखेबाज एक दुष्ट है। तुम जानते हो, मेरे पास एक सलूशन। मैं बहुत थक गई हूँ। ये क्या है? Oh my, मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी है। I love him so much. ये कितना सुंदर है। चॉकलेट। ये क्या है? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
ये पक्का कोई जोक है। मैं इसे पागल नहीं हो सकती। नो 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 नो, मैं इसे नर्वस नहीं हो सकती। इजी, ये नहीं हो सकता। ये क्या है? स्वीटहार्ट, हाय माय लव, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ माय लव, और तुम कैसे हो? हनी, जो गिफ्ट मैंने बेड पे छोड़ा था तुम्हें पसंद आया? मुझे ये बहुत पसंद आया माय लव, थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ कि आपको ये पसंद है। ये छोटी सी चेन सोने की है, मैंने इसे आपको ध्यान में रख के बनवाया है। N for Natalia। तुम हमेशा की तरह बहुत क्यूट हो माय लव। हनी, मुझे अपनी माँ के लिए कुछ दवाई लेने जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके माय लव। माय लव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम घबराई हुई लग रही हो। नहीं माय लव, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के लिए कुछ दवाई लेने जाना है बस। Are you sure my love? मतलब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइव कर सकता हूँ my love? No my love, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत थके होगे। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम मेरा वेट करना, मेरे आने के बाद हम अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। ओके अरे डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस जगह में? मुझे तुमसे बात करनी है अर्जेंटली। ये क्या है? तुम ये क्या गेम खेल रहे हो ब्रायन? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरी डार्लिंग, सबसे पहले तो एक दूसरे को हेलो बोलते हैं, दूसरा मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो। ये फोटो उस दिन ली गई थी जिस दिन हम मिले थे, तुम शायद भूल गई। डार्लिंग, तुम ठीक हो? कुछ चाहिए? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, वो बीमार है, हम बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है डियर। हेलो मिस्टर एल्बेरो, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। वो औरत हमारे प्लान में बिल्कुल फंस चुकी है। हाँ, और अब प्लान का दूसरा हिस्सा। जरूर, मैं इंतजार करूंगा। यस। नहीं हो सकता। ये क्या है? ये पक्का कोई मजाक है। ये नहीं हो सकता। ये पक्का कोई जोक है। ये सच नहीं है। नहीं, मैं पागल नहीं हो रही। नो, मैं पागल नहीं हो रही। ओह माय गॉड।
तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? कौन हो तुम? एक्सक्यूज मी, तुम मेरे हस्बैंड के घर में क्या कर रही हो? सैसी, तुम्हारा हस्बैंड? तुम्हारा मतलब है मेरा हस्बैंड। अल्बेरो और मैं 4 साल से एक दूसरे के साथ हैं। क्या तुम पागल हो? तुम पागल हो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी रेस्पेक्ट कैसे की जाती है। ये क्या है मिस? मेरे घर से बाहर निकलो, ये मेरा घर है। गेट आउट। यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या स्कैंडल है? माय लव, ये पागल औरत हमारे घर में घुस गई है और ये नहीं जाना चाहती। मैम, फॉर गॉड सेक, आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे घर से चली जाइए। तुम्हारा क्या मतलब है तुम मुझे नहीं जानते अल्बेरो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हम शादीशुदा हैं। अगर ये जोक है तो ये बहुत बुरा है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अल्बेरो प्लीज। मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप ठीक हैं? मुझे लगता है बेहतर होगा आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, भगवान के लिए। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कृपया मेरे घर से बाहर निकल जाइए। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैं पागल नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, नहीं। और ये सूटकेस, ये यहां क्यों है? क्या? मैम, फॉर गॉड सेक, मुझे वहां कुछ नहीं दिख रहा है। सीरियसली, आप मेरे घर से बाहर निकल जाएं। तुम फिर से? तुम यहां क्या कर रही हो डंबैस? गेट आउट। एक मिनट रुको, यहां से अगर कोई बाहर जाएगा तो वो केवल तुम, तो बाहर निकलो। ऐसा कैसे माय लव? तुम इससे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? सब मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या मैं पागल हो रही हूँ? ओ अच्छा, अब ये नाटक छोड़ो, तुम पागल नहीं हो रही हो। बात यह है कि जो भी हो रहा है वो ये है, मैं एक दिन मिस्टर अल्बेरो से मिला और अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। हमें देखना था, इसलिए हम दोनों ने ये प्लान बनाया, क्योंकि तुम एक धोखेबाज और गंदी औरत हो। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा है? आप हमारे साथ गेम खेल रही हैं? नहीं मैडम, आप गलत हैं। बहुत दुख होता है मैडम ये जानकर कि यहाँ पर तुम जैसे इंटरेस्टेड सर्चलाइट और हार्टपीस हैं, तुम जानती हो ना। और अब सुन लो कान खोलकर मेरी बात, आज के बाद घर वापस मत आना, चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल कभी देखना नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, माय लव, प्लीज माय लव, मेरी बात सुनो। ये ब्रायन वाली चीज़, ये गलती से हो गई,
ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माय लव, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो ना? मैं तो बस भगवान का शुक्र मनाता हूँ कि ये सब हुआ और इससे मेरी आंखें खुल गई और अब मैं जान गया कि जिसे मैं अपनी जीवन साथी चुन रहा था वो कैसी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी चली जाओ यहाँ से और इसके अलावा तुम्हारा सारा सामान और तुम्हारे सारे कपड़े ले जाओ सब, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुमसे जुड़ा हो। तुमने कुछ सुना? दबाओ जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, बदलो क्योंकि इंटरेस्टेड लोग जीवन में बुरा करते हैं, इसे ध्यान में रखो और चली जाओ यहां से। ओए, तुम ये भूल गई थी। ठीक हुआ मिस्टर एल्बेरो, क्योंकि हम दोस्त हैं और ये सब जो भी हुआ उसके अलावा मुझे लगता है कि हम फिर भी दोस्त रह सकते हैं, है ना? हेयर कट? अच्छा चलो ये करते हैं। आप किसे रिकमेंड करेंगे? मैं जानता हूँ और ये हेयर कट मेरी तरफ से। ओह चलो धन्यवाद। हाहाहा